हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए प्लस एकेडमी। आई एम अल्फिया एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट स्टोन एज। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड स्टोन एज को पैलोलिथिक एरा कहा जाता है। इससे पहले हम लोग जान लें कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। जो भी घटनाएं हमारे पास्ट में हुई हैं उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये चीज़ जो है वो हमारे पास रिटेन में है, लेकिन जब तक लिखाई शुरू नहीं हुई थी तो उससे पहले के पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो तीन पार्ट में है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। ओके, स्टोन एज को तीन पार्ट में बांटा गया है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। न्यूलिथिक एज में ही राइटिंग स्टार्ट हो गया था। लगभग 5000 से 8000 साल पहले राइटिंग शुरू हुआ था। एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जॉन ल्यूबक, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जॉन ल्यूबक 1865 में इन्होंने ही पैलोलिथिक टर्म को क्वाइंट किया था, ठीक है। अब स्टोन एज जो है वो लगभग 2.5 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था। स्टोन एज तीन पार्ट में है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। पैलोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज एंड न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज कहा जाता है। पैलोलिथिक स्टोन जो है वो तीन पार्ट में है, लोअर पैलोलिथिक एज अप टू 100,000 बीसी, मिडिल पैलोलिथिक एज 100,000 बीसी से 40,000 बीसी तक और अपर पैलोलिथिक एज 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी तक। ये तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस टूल्स का है। धीरे धीरे जैसे लोअर से मिडिल, मिडिल से अपर गए, उस वैसे ही टूल्स जो है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होते चले गए थे, ठीक है। पैलोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे वर्ल्ड में यही टाइमलाइन हो, क्योंकि उस समय पे है ना क्या इन्वायरमेंट था, क्या टेम्परेचर था, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उस समय इंडिया में होमो इरेक्टस का फॉसिल्स हमें मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के वैली में लगभग 2.5 साल पहले हमें पैलोलिथिक का जो फॉसिल्स मिला है, फॉसिल्स डेटिंग के हिसाब से लगभग 2.5 साल पहले, 2.5 लाख साल पहले पुराना है ये फॉसिल्स जो हमें इधर मिला है, ओके। अब लाइफ ऑफ अ पैलोलिथिक मैन कैसे थी उनकी ज़िंदगी? पैलोलिथिक मैन जो थे वो केव्स में रहते थे और रॉक शेल्टर में रहते थे। दे वर नोमैड, वो लोग नोमैड थे, डैट मीन्स वो लोग परमानेंट, उन लोगों का घर नहीं था, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड। ह्यूमंस लिविंग ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एरा वर हंटर और गैदरर, वो लोग हंटर और गैदरर कहलाते थे। स्टोन एज ह्यूमंस हंटर लार्ज मैमल, वो लोग लार्ज मैमल का शिकार किया करते थे, इंक्लूडिंग वुली मैमथ, जाइंट बाइसन एंड डियर। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग ग्रुप में शिकार करते थे। उन लोगों का ग्रुप ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था, 5 से 6 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। उस समय में एनिमल जो फाउंड हुए थे वो थे मैस्टोडॉन्स, साइबर टूथेड कैट, जाइंट ग्राउंड स्लॉथ ईटीसी। उस समय पे पाए जाते थे ये सारे जानवर। ये लोग जो थे दे सर्वाइव करते थे वाइल्ड एनिमल्स, फिशिंग, गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, नट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। पैलोलिथिक एरा आर फेमस फॉर टूल्स। पैलोलिथिक एरा जो था वो टूल्स के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि धीरे धीरे कर करके लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज और अपर पैलोलिथिक एज में धीरे धीरे टूल्स जो थे वो इम्प्रूव होते चले गए थे। अब बात करते हैं हम लोग लोअर पैलोलिथिक एज के बारे में। लोअर पैलोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शार्प नहीं थे, बहुत मोटे मोटे से थे। इसका टाइमलाइन जो है वो अप टू 100,000 बीसी तक है। टूल्स जो इस समय यूज़ होते थे वो हैंड एक्सेस थे, क्लेवर्स थे, चॉपर फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग के लिए ये लोग यूज़ किया करते थे। रॉ मटेरियल जो उस समय यूज़ होते थे वो क्वार्ट्ज़ाइट था। क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो क्वार्ट्ज़ का बना होता है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। और चर्च जो है वो एक सेडिमेंट रॉक से बना है जो क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज़ाइट है, ठीक है। टूल्स की साइट की हम लोग बात करें तो ये टूल्स की साइट जो है वो गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा रिवर की वैली में हमें मिलती है। एक ख़ास बात यह है कि इंडस और गंगा, ब्रह्मपुत्रा में हमें इस टूल्स के
टूल्स के नहीं मिले हैं यहाँ पे। अब क्या रीज़न था कि टूल्स नहीं मिले थे यहाँ पे? हो सकता है कि रॉ मटेरियल जो टूल्स में यूज़ होते थे वो रॉ मटेरियल्स यहाँ नहीं हो। ठीक है, अब लोअर पैलोलिथिक के साइट की बात करें तो सोहान वैली गुजरात, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश में, सोहान वैली यहाँ है और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। बेसिन ऑफ रिवर ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा। भीमबेटका इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री साइट, भीमबेटका को फैक्ट्री साइट भी कहते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं एच डी संकालिया, ठीक है, इन्होंने ही पैलोलिथिक फैक्ट्री की भीमबेटका में जो है इन्होंने ही खोज की थी लगभग 1960 में। ओके, ओल्डेस्ट लोअर पैलोलिथिक साइट जो है वह बोड़ी है जो कि महाराष्ट्र में है। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज के बारे में। कंपैरिजन अगर हम लोग करें, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं लोअर पैलोलिथिक एज से, तो लोअर पैलोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, सही नहीं थे। लेकिन इस एरा में जो टूल्स थे वो स्मॉलर होते चले गए, छोटे होते चले गए, थिनर होते चले गए और लाइटर होते चले गए। जब हम देख रहे थे शार्प हैं, ठीक है। मिडिल पैलोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो फ्लेक्स के बने हुए थे, बहुत ही पॉइंटेड थे ये टूल्स और मतलब पैने किस्म के थे। रॉ मटेरियल जो यूज़ होते थे वो कॉर्डजाइट था और चर्ट था। साइट्स की बात करें हम लोग तो साइट्स में ये लोग लूनी वैली अराउंड दिदवाना इन राजस्थान, वैली ऑफ बेलन, नर्मदा वैली और तुंगभद्रा वैली में पाए जाते हैं। सोन रिवर में भी मिलता है और नर्मदा रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। इसे भीमबेटका इज ऑल्सो अ मिडिल पैलोलिथिक साइट, भीमबेटका जो है वो ऑल्सो मिडिल पैलोलिथिक साइट भी है। लास्ट टॉपिक है हमारा अपर पैलोलिथिक एज, ये स्टार्ट होता है 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक, ठीक है। इस वक्त में बहुत कुछ हुआ था, टेम्परेचर और क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत सारे कोल्ड डेजर्ट बनना शुरू हो गए थे, सी लेवल जो था वो बहुत डिक्रीज़ हो गया था। माना जाता है कि सी लेवल जो डिक्रीज़ होने का कारण था कि टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से सी का पानी जो था वो बर्फ़ जमना शुरू हो गया था। पेनिनसुलर रिवर की वैली में उस समय पर बहुत सारे हमें फॉसिल जमा हो गए थे एक साथ, हम लोग को राजस्थान और मध्य प्रदेश में फॉसिल्स मिले हैं, खासकर ऑस्ट्रिच एक सेल्स के फॉसिल हमें मिले हैं, मतलब कि उस समय पर ऑस्ट्रिच बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अपर पैलोलिथिक एरा में बहुत सारे स्पीसीज मर गए थे, बहुत कुछ हुआ था इस एरा में। टूल्स की हम लोग बात करें तो टूल्स इस एज में लार्ज फ्लेक्स यूज़ होते थे, ब्लेड्स यूज़ होने लगे थे, स्क्रैपर, ब्यूरेंस एंड निडल्स यूज़ होते थे। टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड फ्लिंट के बने होते थे और साइट की बात करें हम लोग तो नर्मदा वैली और कुर्नूल कैप थे, ठीक है। इस समय के लोग जो थे वो ट्रैप करना सीख चुके थे, नेट्स बहुत अच्छे अच्छे ये लोग बनाते थे। साइट जो है वो सोहान वैली भी है पंजाब में है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू इन बिहार और फलगांव कश्मीर में है। कश्मीर कभी आप लोग जाइएगा तो वहाँ ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। टिल देन बाय बाय।